नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है और लाइव तस्वीरें अम्बाला से आपको दिखा रहे हैं। अम्बाला की अनाज मंडी में एक बार फिर किसान इकट्ठा हुए हैं। किसान आज एक बार फिर सड़कों पर है और सड़कों पर क्यों है ये हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी इलाके में कल रात एक बड़ी घटना हुई है जिसमें 7 से 8 लोगों की जान गई है, उसमें 5 से 6 किसान बिताए जा रहे हैं और आरोप राज्य मंत्री के बेटे पर लगे हैं कि उन्होंने गाड़ी जो है वो चढ़ाई है। किसानों पर प्रदर्शन वहां पर चल रहा था, विरोध चल रहा था और उसी दौरान घटना जो है वो हुई है और उसके विरोध में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका जाएगा। किसानों की तरफ से किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकेंगे, डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे और उसके लिए किसान यहां से निकल चुके हैं। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरह से शव यात्रा निकाली जा रही है, पीएम मोदी की शव यात्रा निकाल कर पुतला फूंकने के लिए किसान जा रहे हैं। देख सकते हैं कंधों पर जो है पीएम मोदी का पुतला रखा हुआ है। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं। गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, खट्टरी गुंडागर्दी, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, हत्यारे की पार्टी बुर्दाबाद, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसके विरोध में किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। किसान विरोध कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की घटना का, क्योंकि कुछ किसानों की वहां पर जान गई है और उसी का लेकर गुस्सा किसानों का फिर से फूट चुका है। पहले कृषि कानून, उसके बाद धान खरीद और अब ये घटना जो है उसने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। पूरी की पूरी हम कह सकते हैं कि किसानों की जो लीडरशिप है गुरनाम सिंह चौधरी और उनके साथ साथ अगर बात की जाए राकेश टिकैत की, सभी उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। वहां से क्या कुछ कड़े आदेश दिए जाते हैं उनका पालन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें सड़कों पर किसान और कंधे पर किसानों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जिसे फूंका जाएगा और एक तरह से पीएम मोदी के पुतले की शव यात्रा किसान यहाँ पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें किसानों का एक बड़ा हजूम उमड़ा है केंद्र सरकार के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में कल जो घटना हुई है उसके खिलाफ किसान गुस्से में हैं। किसानों का रोष अम्बाला की सड़कों पर, घटना उत्तर प्रदेश में हुई और रोष अम्बाला तक देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सैकड़ों किसान अम्बाला की सड़कों पर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला बनाया गया है जिसे कंधों पर रखा हुआ है। किसान अमर रहे,
के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी, जोरदार विरोध प्रदर्शन पुतला फूंका जाएगा। और फिलहाल अंबाला के डीसी ऑफिस का घेराव करने के लिए किसान जो हैं वो चल पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला किसानों ने कंधे पर उठाया हुआ है। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और सड़कों पर किसानों का गुस्सा सरेआम नजर आ रहा है, किसानों की नाराजगी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में घटना हुई उसके खिलाफ आप देख सकते हैं, जहां तक नजर जाएगी किसान ही किसान नजर आएंगे। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, जो किसान आज के इस प्रदर्शन धरने में शामिल नहीं हुए उनसे गुजारिश, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए आप भी धरने का हिस्सा बन सकते हैं। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, किसानों के बड़े विरोध की, उत्तर प्रदेश की घटना के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई उसके विरोध में किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर, बीजेपी के मंत्री के बेटे पर आरोप, गिरफ्तारी की मांग, और उसी के लिए ये देख सकते हैं इस तरह से पुतला बनाकर कंधों पर उठाकर ले जाया जा रहा है। Stop up!
डाल रहा है ना उसके साथ साथ है। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर दिखा रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने के लिए किसान। तो यार पीछे पीछे आ जाओ, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में घटना हुई उसके बाद किसानों ने रात कैंडल मार्च निकाला और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने की तैयारी। डीसी ऑफिस के घेराव के लिए पहुंच रहे हैं किसान। कल रात ही संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दे दी थी, संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर अपना अमल करते हुए भारतीय किसान यूनियन अंबाला के प्रधान मलकीत सिंह और उनके सैकड़ों जो किसान साथी वो पहुंच चुके हैं अभी अंबाला कोर्ट के नज़दीक और यहां से डीसी ऑफिस पहुंचेंगे, वहां पीएम मोदी के पुतले का दहन किया जाएगा। लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लगातार किसानों से जुड़ी पल पल की अपडेट, हर जो छोटी बड़ी खबर अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर दिखाते हैं आपको। और अब अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे हैं अंबाला के डीसी ऑफिस, जहां पुतला फूंका जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी का। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।
वाटर कैनन के साथ साथ बैरिकेड्स भी यहां पर कुछ लगाए गए थे लेकिन खोल दिए गए हैं। यहां पर वाटर कैनन भी तैनात की गई है और अब डीसी ऑफिस में किसान पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। प्रधान जी थोड़ा स्लो चलो, इब थोड़ा स्लो। हम थोड़े तेज चलो भी, साणी पीछे आ डीसी ऑफिस। किसान पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला कंधों पर है, पुतले को हाथ के हवाले किया जाएगा। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर। किसानों के लिए बकायदा यहां पर एक टेंट लगाया गया है और पुलिस इशारा कर रही है टेंट की तरफ जाने का, लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यही होगी कि किसान किस तरफ पुतला दहन करते हैं। कैमरा कहाँ? पीछे पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ यार, अच्छा पीछे सैनी पीछे आ जाओ। प्रदीप आ जा, थोड़ा थोड़ा पीछे आ जा, थोड़ा पीछे आ जा। नारा नूरा मार लो भाई। छोड़ ले, बात में कर ले, गांधी दोबारा कर दो एक बार, इन्हें कर लेने दे, जे करेंगे अपने बात में कर ले, कर लो थप्पड़ थप्पड़ मार लो। हाँ अभी तो पुतला बना ही रहे थे। हाँ सारा पैन मार, फोटो तो बनती है। पकड़िए मन लगा सारी गर्मी। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में, भारी तादाद में किसान उत्तर प्रदेश की घटना का विरोध करने के लिए पहुंचे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला किसानों ने सामने रखा हुआ है, जिसे कुछ ही देर में आग के हवाले किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल थी आज, उपायुक्त निवास जो ऑफिस हैं, डीसी ऑफिसेज हैं, उनके घेराव की कॉल थी आज, और उसी की लाइव तस्वीरें आप इस वक्त अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में किसान डीसी ऑफिस पहुंच चुके हैं और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को आग के हवाले किया जाएगा। इन कुंडों में और कह के चैलेंज करके दो दिन पहले हमारे किसान साथियों को इन्होंने चैलेंज किया था कि हम सत्ता में आने से पहले क्या चीज थे। आपको बताना चाहते हैं, पहले स्टेज के ऊपर बोला था कि हम सत्ता जो मंत्री बने हुआ वो केरला में पहला गुंडा था, मुझे जानते नहीं आप क्या था मैं, और उन्हें अपनी गुंडा करती दिखाकर हमारे पांच किसानों की हत्या की है। और बड़े दुख की बात है जो आरएसएस वाले गुंडे के चेहरे सामने आने लगे हैं। एक आरएसएस का गुंडा हमारे हरियाणा के अंदर ही पैदा हुआ, उसने भी कल एक जिम्मेदार में व्यक्ति जो ना सबसे ऊपर सीएम खट्टर क्या कहता है गुंडा, किसानों इन किसानों के लठ मारो, इनके सिर फोड़ो। वो टाइम जा लिया बेटे, जो सोच रहे ना जाट आरक्षण के अंदर हमने गुमराह कर का काम कर दिया था। अब मेरे बेटे 5 साल नहीं है अम्बाला के अंदर आ सकता जो तुम बयान दे रहा, और अपने हरियाणा के जितने भी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, सभी से बेनती करूंगा जो खट्टर ने बयान दिया है इसका मतलब सामने आ गया। इस टाइम जाट आरक्षण था, जाट आरक्षण के अंदर आरएसएस के गुंडे थे वो जिन्होंने हरियाणा जलाया था। साथियों जो काम निकम्मा काम कोई भी काम कर दो उसका सच एक दिन सामने आता जरूर है, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। इन आरएसएस के गुंडे की सच्चाई सामने आने लगी है, जो इनका मकसद था हिंदू 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 पुकार रहे हैं, इनके पेट में दर्द हो गया। जिस टाइम किसानों ने अल्लाह अकबर राम रहीम बोले सो निहाल, जिस टाइम ये नारे लगाने लगे, एकजुटता किसानों ने देश के अंदर पैदा की, तो उनका लगन लग गया भी हमारा काम होने लग गया, इनका सुपड़ा साफ करना है और आरएसएस को यहां से देश में से निकालना है। शायद खट्टर ने इसीलिए बयान दिया कि मुझे शायद इस कुर्सी से हटा दे ताकि मैं अपनी जान बचा लूं। जान तो तेरी बचेगी नहीं बेटे, जो मर्जी कर लो, तूने जो बोले हरियाणा जलाया था ना, उस हरियाणा का बदला लेके हरियाणा वाले तेरे से हटेंगे। किसान साथ हुआ और जितना हम इस आंदोलन को शांतिपूर्ण चलाना चाहते हैं, ये कोई ना कोई चिंगारी हर दूसरे दिन हमारे बीच में घेर देते हैं। अभी 2 दिन हम एक डेस्क तक करते हटते नहीं है, दूसरे दिन कोई ना कोई चिंगारी कहीं ना कहीं से हमारे किसानों के बीच में घेर देते हैं। और मैं अंबारे से ऐलान करता हूं, ये अंबारे से ही आंदोलन शुरू हुआ था और अंबारे आ रहे इसे खत्म करेंगे। ये ना सोचियो कि पहले आपने हमारी जनता में, जिस टाइम आप सत्ता के अंदर आए थे उस टाइम हमारे साथी कुछ गुमराह हो गए थे, जाति वाति में बांटने का काम किया था। अब यह जातिवाद नहीं चलेगा, अब यह किसानों का आंदोलन है, किसी एक जाति विशेष का आंदोलन नहीं है, मजदूरों का आंदोलन है, व्यापारियों का आंदोलन है। आज कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है, कर्मचारी लगा लो किसकी बात नहीं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इस सरकार से दुखी ना हो। और फिर भी ये निकम्मे ये कहते हैं भी हम बढ़िया राज चला रहे हैं। अगर बढ़िया राज चलाते, अरे हम तो अपने 3 काले कानून वापस कराने गए थे दिल्ली। अगर आप 10-15 दिन के अंदर ये 3 काले कानून वापस कर देते, पर नहीं, जो आपने जो उन्होंने गुंडागर्दी हत्या करके
लोगों की हत्या के ऊपर बैठे हैं, राज कर रहे हैं अमित शाह और मोदी। इन्होंने लोगों की हत्या कर 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 ये राज हासिल किया है। मैं तो इनका दो नाम नहीं लूंगा, कम से कम भी पूरे आरएसएस के जो गुंडे हैं जिनको मैंने लाठी चलानी सिखा रखी है, वो सारे के सारे इस सरकार में शामिल हैं। और एक गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब इस गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए किसानों ने जो आंदोलन चला रखा है, उस आंदोलन के अंदर ये आरएसएस बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। इनका एक एजेंडा था हिंदू 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 हिंदू, कहां खतरे में है। पूरे विश्व की कंट्री के अंदर कहीं ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां हिंदू नहीं है। जहां मुस्लिम कंट्री है वहां भी हिंदू है, वहां कौन सा हिंदू का खतरा हो गया। पर हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू तो कोई धर्म भी नहीं है, सनातन धर्म है। और नहीं इस मुद्दे के ऊपर इन्हीं ने देखो जो हम कह रहे हैं ना, जो इन्होंने बांटने का काम किया ना, इसी के तौर पर बांट रहे हैं, इसी को तो गुमराह कर रहे हैं। कल क्या बयान दिया खट्टर ने, सिर फोड़ दो। ये जो हमारी हत्या करी है गुंडे ने, आरएसएस के गुंडे ने करी है, आरएसएस के गुंडे हैं जो हमारे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई है। तो किसान साथियों सभी अपने विचार रखें, और जो किसान साथी इस आंदोलन के अंदर शामिल नहीं हो रहे हैं, हमने एक मुहिम छेड़ी थी, उस मुहिम के आगे चलाए नहीं दे रहे, कोई ना कोई हमारे साथ पंगा लेते हैं। और रही बात जो हमारे किसानों की हत्या हुई है उसका बदला तो लेकर रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब यूपी के अंदर अभी सुख मोर्चा पूरा पहुंच चुका है, जितने भी हथकंडे अपनाने अपना लो, और जो भी इनको घिनौनी हरकतें करनी है कर लो। मैं अपने गुलाब सिंह प्रधान से कहूंगा, वो अपने विचार रखे आगे। गुलाब सिंह मानपुर भारतीय किसान यूनियन, किसान एकता, जय जवान जय किसान। कल यूपी के लखनपुर खेरी में एक मंत्री के बेटे ने राजनीति के नशे में धुत होकर बेकसूर चार किसानों की हत्या कर दी, चार नागरिकों की हत्या कर दी और एक वहां पत्रकार की हत्या कर दी, जो ये बहुत ही घोर अपराध है, निंदनीय है। ये किसानों की और अन्नदाता की हत्या नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की हत्या है, ये हमारे संविधान की हत्या है। राजनीति के नशे में आकर ऐसे कदम उठाना ये इस सरकार की नियत और नीति को दर्शाता है। अब तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खट्टर फट्टर का सबूत दे दिया इसने, अभी खट्टर ने कोई नहीं, ये तो निखट्टर है। एक ऊंचे पद पर बैठकर मुख्यमंत्री जैसे देश का राजा होता है, ये तो एक राजा होता है देश का, ये हरियाणा का एक राजा है। राजे के लिए तो हर एक व्यक्ति बराबर होता है, वो आरएसएस का मुख्यमंत्री नहीं है, वो बीजेपी वालों का मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो सारे हरियाणा के प्रदेशियों का मुख्यमंत्री है। लेकिन ऊंचे पद पर बैठकर इतने गंदी भाषा बोलना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। ये कहना भी इकट्ठे हो जाओ और इन किसानों को मारो पीटो, अगर आपके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं चिंता मत करो, ज्यादा क्या होगा, जेल में जाओगे,
और जब वापस आओगे तो आप बहुत बड़े लीडर बन जाओगे, नहीं तो इट इज वन सॉर्ट ऑफ प्रोवोकिंग टू किल द फार्मर बाय द सीएम ऑफ द स्टेट। इस पर तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और विदाउट एनी डिले ए केस शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द सीएम बाय द कोर्ट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। और इसमें कहीं भी अगर कोई नैतिकता है 0.1% भी, तो इसको कोई हक नहीं मानता सीएम के पद पर बैठना। इतनी बड़ी पद की गरिमा को इसे हिंदुस्तान के इतिहास में जो ठेस बचाई है वो निंदनीय है। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करेंगे और इसको सबक सिखाएंगे। अगर कोई किसान की हत्या कर देता कोई अरेस्ट हुआ कोई पीछे बात कोई हमारे वकील भाई भी आओगे तो इसको 302 के साथ 120 बी में इस मुख्यमंत्री को भी निपटा दिया जाएगा। इस एंगल में एक कातिल करने वाला होता है उस पर 302 लगती है। जो कातिल करने वाले को प्रवोक करता है उकसाता है इसको मार दो वो 120 भी इसमें भी फांसी तक की सजा है। इसने तो ऐसा अपराध किया है कि ही शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। ऐसा अपराध किया है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ये बहुत निंदनीय है, अपराध नहीं है दंड है और इसको दंड की सजा पहले तो कोर्ट देगी वरना हम अपनी उंगली से बटन दबाकर इसका ऐसा कत्ल करेंगे भी ये जिंदगी भर याद रखेगा, आने वाली इनकी पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि हाँ हमने कभी किसानों से तंगा लिया था। ये कह कर मरेंगे अपनी पीढ़ियों को कि किसानों से पंगा मत लेना और किसी से पंगा मत लेना। तो ये हमारा संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज का प्रोग्राम है। अब नरेंद्र मोदी का इसका जो पुतला है इसका अग्नि भेटा किया जाएगा और डीसी साहब को हम ज्ञापन देंगे और इसके बाद हमारे प्रधान मलकीत सिंह है जो हमें ऑर्डर देंगे उसके अनुसार अगला कार्यक्रम चलेगा। ओवर टू सुखविंदर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। थोड़ी काले कपड़े पहने प्रधान जी इसलिए बुलाए थे मैंने पहले क्योंकि जो बात इस विषय के अंदर कहनी थी उन्होंने कही है और आगे जैसे भी प्रोग्राम जो भी हमारे जिला प्रधान मलकीत सिंह है वो बनाते रहेंगे। अब मैं बुरा काम पर कुर्बान पर उनको कहूँगा अपने विचार रखें और जो भी साथी अपने विचार रखना चाहते हैं वो कुलदीप के पास अपना नाम नोट करा दें। बुरा कर्म हो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत ज्यादा दुख की बात आज कि सीधा अत्याचार हो गया हमारे ऊपर। इन्होंने जलियां वाले बाग का दृश्य दोबारा हमारी अखां के अंदर पैदा कर दिया। क्या ने अज अंग्रेजा दे घट गुजार रहे मारी गिल मारे निहत्थे किसानां के ऊपर। जलिया वाले बाग मां अज अखां मां अंजू हरे ने बत्त कहंदे वे 7 घंटे की रात मां 7 बार अख खुलिया क्योंकि यो अंदोलन बहुत शांति दे चल रहा था। इनके पेट में दर्द होया कि इतना लंबा आंदोलन ये भोले भाले किसान किस तरह चला रहे हैं और तन्नू पता नहीं किस तरह चला रहे हैं। अकाल पुरख वाहगुरु की देना राम जी महाराज की देना उस परमात्मा की देना क्योंकि लड़ाई हक सच की लड़ी जा रही है। इस करके आंदोलन चल रहा है भाई नहीं चलता रहेगा। हम अत्याचार करते रहो हम सहते रहेंगे और इन जो शहीदियां हुई कल इनकी शहीदी जा नहीं जंदी। इन शहीदा की शहीदी जा नहीं जंदी है क्योंकि जब शहीदियां हो आंदोलन और ज्यादा तेज हुआ कर लो जितना अत्याचार करना पर हम किसान हैं मारा धर्म किसान है मारी जाति किसान है। हम धर्म और जाति के नाम पर लड़ने वाले लोग नहीं है ना ही लड़ेंगे।
कले कले किसान का चेहरा देख ले अज मीडिया वाले भाइयों नु कहा मायूसी छाई हुई है, किसी किसान के चेहरे पर हंसी नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जलियांवाले बाग की याद ताजा करवा दी इस सरकार ने। ये तो अंग्रेजों से भी गए गुजरे निकले, जिस टाइम किसानों ने आंदोलन किसानी के खिलाफ जो भी अंग्रेज सरकार ने लाए थे, 9 महीने के अंदर अंग्रेजी सरकार ने भी वापस ले लिए थे। इवन की क्रूरता देख लो, उनते भी बुरे लोग आए हैं झूठ बोल का, पोले पाले लोगों झूठ बोल का सत्ता में आ तो गए, पर दोबारा थानू नसीब नहीं होने की हो सत्ता। और किसान की मजदूर की ऐसी हाय लगेगी ना भी थम मरदे टाइम परमात्मा ने याद कर 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 रोएंगे भी ऐसे गलत कदम मैंने क्यों उठाए, क्यों मरे पास्ते उठ गए, बहुत बुरा हुआगा। जो यूपी के अंदर परसों बयान दिया था मिश्रा ने, गृह मंत्री आज कल उसी बयान पर एक्शन ले लिया गया है। किसान भाइयों चौकस रहियो, उत्तरी पश्चिमी हरियाणा ने स्पेशली टारगेट करो खट्टर ने, और एक्शन यहाँ भी लेंगे दंगे फैलाने की पूरी कोशिश। आईपीएस आईएएस अधिकारियों नु हाथ जोड़ का बेनती है, आप भी ऊपर सरकार के अंदर जिस तरह दे भी पेश करते हो यो बात पेश करो कि व्यवस्था बिगाड़ने का काम सरकार की तरफ से ना करा जा, खट्टर की तरफ से ना करा जा। मैं दोबारा फिर आईएएस आईपीएस अधिकारियों नु बेनती करूंगा, क्योंकि आप लोग भी जनता की रक्षा वास्ता है। अगर ये राजे भी जनता के नुकसान करना चाहा तो आप इनके ऊपर भी एक्शन ले हो। जब सीधा बयान खट्टर कह रहा, मैं अपने उच्च अधिकारियों कहना चाहूं किसान यूनियन के नु भी इसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराओ, लोगों नु भड़काने की दंगे करवाने की खट्टर के ऊपर। अरे खट्टर क्या खच्चर आयो, खच्चर तो डंडे खेल चला, पर हम नहीं डंडा मारना चाह रहे, हम कह रहे हैं भी इसी तरह सूत आ जा। तो वक्त बहुत ना बोलने वाले, मैं इन्हीं शब्दों के लबनी पानी नु विराम दे रहा। जय जवान जय किसान। बहुत बढ़िया बात कही पूरा जी ने, जो खट्टर के बयान है उसके ऊपर हमें एफआईआर करानी चाहिए और बनती भी है। भाई साथियों, कोई ट्रैक्टर खड़ा फार्म ट्रैक्टर के रास्ते में, वो साइड में कर दें, ट्रैक्टर खड़ा कोई फार्म साथ वो साइड में करके आए, कोई व्हीकल रोड के ऊपर ना खड़ा है साइड में करें। और हमें बॉबी राणा बतौली जो हमारे गन्ना संघ समिति के मेंबर हैं उनको कहूँगा अपने विचार रखें। बॉबी राणा जी, तो साथियों जो विचार रखने हैं, जो हमारे 2-3 विचार हैं जो यूपी के अंदर, उनके ऊपर फोकस रखें और ज्यादा लंबा ना करें। आदर और सम्मान के किसान युद्ध, आज की सभा के योद्धाओं, हमारे यूनियन के पदाधिकारी सभी को राम राम। भाई आज बड़े दुख की घड़ी में आपको यहाँ पर खड़े होना आना पड़ा, एक बर्बरता पूर्वक हमारे किसान साथियों की हत्या कर दी गई, और जबकि हमारा आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा। आपको पता है कल भी एक खट्टर पट्टर जो हरियाणा सरकार का मुख्यमंत्री बना बैठा, उसने एक वीडियो जारी हो रही है भी थम इनके गलो लड़ने वास्ता चार हो जो 6 साल 6 महीने में नेता बनकर उभरेंगे। तो दोस्तों ये बयान देखो आप किस तरह किस साइड जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरे इस मागरम ने मेरी बात सुनो खट्टर साहब, सीधा तो हमने एक बार कह के अपने किसान साथियों शांतिपूर्ण तरीके से हम आपका विरोध कर रहे हैं, ऐसा ना हो अभी लाठर हमने बिठा लिए भारी तादाद में मेरी और अकरम तो आज दिन का मगर एरिया में करवाना चाहिए। खास तौर पर सरकार के खिलाफ रोष आज जाहिर किया जा रहा है और पूरे जोर से जो घटना हुई है सरकार के खिलाफ उसके पहले जो वहाँ को मिश्रा है वो पहले वीडियो क्लिप करता है और कहता है भी मैं देख रही हूँ, और आप सबको आज इस दुख की घड़ी में आना पड़ा। साथियों इससे तानाशाही सरकार हमारा
हुई थी और अब उत्तर प्रदेश की घटना ने और हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के बयान ने किसानों के गुस्से पहुंचा दिया। आपने देख लिया हमारे किसानों के साथ क्या बर्बरता हो रही है। लेकिन भाई इस मीडिया के माध्यम से डॉक्टर साहब सिंह की चेतावनी है रहे हैं जहां सैकड़ों की तादाद अगर तेरे मन में ये हो ना अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के लिए ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यो नो भी चंडीगढ़ तुम तो बाहर निकला फिलहाल आ तो तेरा विरोध हो रहा सिर्फ जहाँ तो राव अपनी राजनीतिक रैलियां कर रहा है तो माले रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारियों से ये है वे उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाए अन्यथा ये लॉबी हरियाणा के सारे रोड और सारे दफ्तर सब बंद कर दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। किसान भाइयों पहुंचे रहे बहुत पर हरी भी घट हाँ देखो इवे तो अपना चल रहा सिर्फ तीन कानूना वाला और इवे 700 किसान शहीद हो गए। चलो शहीद हो या कहीं ना कहीं जो भी होया कहीं पुलिस गए दबाई जो भी होया या बीमार हो जो भी होया लेकिन कल हमारे 8 किसानों का और नामा पत्रकार जो मर्डर होया मर्डर सीधा मर्डर है शहीद जरूर हो पर लेकिन सीधा सीधा मर्डर होया और इसके ऊपर हम प्रशासन में यही अपील करांगे इनके पर कार्रवाई हो इन्हें जल्द से जल्दी अरेस्ट करा जा और जो बयान खट्टर साहब ने कर दिया भी लड़ांगे डंडे तैयार रखो 500 बंदे तैयार करो और बंदे मारियों बचकार होते सिस्टम में जो भी है लड़ाना कहने मान नॉर्स में सारे के सारे तो हम यही प्रशासन से फिर मांग कर रहे हैं कि खट्टर के ऊपर भी उस एसडीएम इस तरह पर्चा दर्ज होना चाहिए और खट्टर का तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जय विद फैमिली के ब्यागी कार्ड समझे तो मैं पत्रकार था विद फैमिली रिंकू मिटेडी सबसे पहले तो सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप बुजुर्गों के चरणों में नमन करते हुए मेरी मातृशक्ति इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के चल रही है उनके चरणों में नमन करते हुए और जिन साथियों ने इस आंदोलन में इस देश की आन बान शान के लिए शहीदियां दी कुर्बानियां दी उनके चरणों में नमन करते हुए आप सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। साथियों मैं पहले दिन से कर रहा हूं सिर्फ एक या दो मिनट अपनी बात रखूंगा ध्यान से समझना कि ये सरकार बनी जरूर लोकतंत्र से है पर लोकतांत्रिक नहीं है आपने देख भी लिया। आंदोलन करना जनता का हक है उसका राइट है। अगर कोई सत्ता सरकार कुर्सी का दुरुपयोग करके कोई जन विरोधी फैसला ले ले तो देश की अवाम देश की जनता आंदोलन के माध्यम से सत्ता सरकार को यह एहसास करवाने का काम करती है कि यू आर रॉन्ग आपने गलत फैसला ले लिया जनता इसके पक्ष में नहीं है आप अपने फैसले को वापिस लो परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा। और जो ये आंदोलन हम कर रहे हैं पीसफुल आंदोलन कर रहे हैं ये हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं आर्टिकल 19A के माध्यम से। सरकार नहीं चाहती कि आप आंदोलन करो सरकार तो का बस चलता तो गोलियां चलवा देती पर वो इन्होंने गोलियों से ऊपर काम कर दिया। इनको मालूम था कि आप ना तो बम से मरोगे ना गोली से मरोगे। पहले ने षड्यंत्र रचा कि ये बातें कही गई कि ये किसान ये तो कुछ लोग हैं किसानों का आंदोलन नहीं है ये विपक्षी पार्टियों का आंदोलन है। फिर कहा गया ये सिर्फ जाट आंदोलन है वहां भी ये फेल हो गए। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारे पत्रकार बंधु सामने खड़े हैं ये किसी व्यक्ति विशेष का किसी जाति विशेष का आंदोलन नहीं है जन जन का आंदोलन है और ये हमने साबित भी किया कई बार। मैं भी अपने 200-250 साथियों को लेकर अभी शंभू टोल प्लाजा भी 2-3 बार जा चुका हूँ आगे भी ऐसे हम समर्पित रहेंगे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे ऐसे ही। परंतु साथियों अंग्रेज 1608 में देश के अंदर आए मेरे इधर साथी खड़े हैं हमारे मुलाजिम साथी खड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ 7 साल के अंदर उन्होंने सूरत के अंदर पहली इंडस्ट्री पहली फैक्ट्री लगा दी पहला कारखाना लगा दिया था और हमें लगा था यार थोड़े से मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे ऊपर कैसे राज कर जाएंगे
उन्होंने करके दिखाया और यही काम ये सरकार करने लग रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद आगे चुनाव भी ना हो। मैं बता देना चाहता हूँ, आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हो सच और हक की लड़ाई है। पूरी पूरा देश किसी ना किसी रूप में आपके साथ है। जो साथी आंदोलन में यहाँ पे अपने आप को समर्पित नहीं कर पाता वो घर से आंदोलन लड़ रहा है बैठ के, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो किसी प्रकार से हो। और ये हमारा भी वादा है आपसे, जहाँ आप लोगों का पसीना गिरेगा हमारा खून गिरेगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। मेरे साथी आज भी यहाँ पे हैं, एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं रहा कि जिस दिन हम आंदोलन के अंदर हम ना पहुंचे हों ना शरीक हुए हों, क्योंकि हमें पहले दिन से मालूम है कि ये किसी एक आंदोलन नहीं है। मैं धन्यवादी हूँ आप लोगों का और मैं अपने समाज की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हो पूरे जोर शोर से, क्योंकि गरीब आदमी इस आंदोलन का ना लड़ पाता। आपने पटेल आंदोलन देखा होगा, 6 महीने चला फेल हो गया, उसका कारण था सरकारें देखती हैं कि आंदोलन को फेल किया कैसे किया जाता है या कैसे किया जाएगा, रणनीतियां बनती हैं। अभी मेरे भाई पीछे बोल के गए कि खट्टर जी ने बयान दिया कि अपने लोग इनके बीच में उतारो उठा लो लठ। बड़ी शर्मिंदगी की बात है, एक संवैधानिक पद पे बैठ के एक इंसान इतने शर्मनाक बयान देता है और उसको जरा भी शर्म नहीं आई कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं जो मुख्यमंत्री हूँ, मैं सीएम हूँ, मैं पूरे प्रदेश का सीएम हूँ, किसी जाति का, किसी व्यक्ति विशेष का या किसी एक का नहीं हूँ। परंतु मैं आपको बता फिर कहना हूँ, ये लोकतांत्रिक लोग नहीं है, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। आप ऐसे ही चलते रहिए, बड़ा दुख है। कल खबरें देख रहे थे, पूरा दिन न्यूज़ पे एक बात चलती रही कि हमारे 8 साथी शहीद हो गए, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। तो ये लोग बड़े षड्यंत्रकारी हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करूंगा। इस दौरान अगर आपकी शान के खिलाफ, किसी भी भाई की शान के खिलाफ मेरे मुंह से कुछ शब्द निकल गया हो तो मुझे अपना बेटा, अपना भाई, अपना बच्चा समझ के माफ कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर किसान एकता, मजदूर किसान एकता, इनकलाब, इनकलाब, आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब बलजिंदर सिंह मौड़ी वो भी आए और अपने दो सदर। ये मेरे किसान भाइयों को बेनती है, जो भाई उस साइड खड़े हैं, इधर जगह पड़ी है, इधर आ जाओ प्लीज, बेनती है। उधर खड़े ना हो, काफी टाइम लग जाना, 4 बज जाने हैं तो खड़े होगा नहीं, अपन वो करना है, इधर आके बैठ जाओ। जो भी खड़े हैं मेरे वीर जी, बेनती है सबनों, खड़े ना हो प्लीज, रास्ता भी छोटा और इस साइड आके बैठो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे प्यारे सभी किसान साथी जो यहाँ बैठे आ, आप आज एक बहुत ही घटिया जो इन्हें काम वगैरह यूपी के अंदर उसका अफसोस बनाने वास्ते यहाँ आए, तो मैं जो कहूँ आप किसान भी है और एक जो एक इंसान भी है, यहाँ जो अच्छा इंसान है जिसके अंदर माँ बाप ने सही सुनो सिखाया वा, सही पढ़ाया वा और सही गुण दिए वे, और तो कभी कुत्ते का डंडा भी नहीं मारता है। जे अपन बढ़ भी है रहे, अपना पेड़ भी उसने जो ललका छोड़ते हैं भी यार चलो लख जा कोई बात नहीं, अपा क्या करा। पर इन्ने तो मारी गल एक ऐसी ही कर दी ना, जख्म भी दे दिया उपर से, फिर खोद रहे हैं भी हम भी कद तक फिर इस करा गे, कद तक सहांगे, भी सहन शक्ति है खत्म होती जा रही बिच माते। या तो हमारे किसान नेता जो भी है भी इन समझा दो कि स्त्री ठंडे कर लियो, कट्टर पट्टर जो भी है या भी कल की घटना ले लियो, दोपहरे पिछा खबर मिली थी ट्विटर पर कि भी इस तरह हो गया। उसके बाद ईब तक ना तो रोटी अंदर चल रही है, ना नींद आ रही है, ना कुछ भी होगा क्या मरी गलो, बार बार यही मतलब दिमाग में हो रही है भी यार क्या बनागा क्या बनागा। मैनु ऐसा लगा भी कभी मैं पागल ना हो जा, इस करके जो हमारे किसान नेता है हम देखो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, हमारे माँ बापा ने मैं सिखाया भी सियाने की इज्जत करनी है। हम अपने जो किसान यूनियन के हमारे प्रधान आ, हम उन्हें अपने बुजुर्ग मानगा, उनकी इज्जत करगा, उनकी करगा हम चुप बैठे हैं। मतलब जो सरकार जो सोच रही है भी इनके पल्ला कुछ नहीं है, या तो यही अपने डंडे खाई जाएंगे और अपना प्रदर्शन करी जाएंगे, पर यो अपने दिल में ख्याल कट देना चाहिए कि इवी तो चलो गांधीवादी आप कर रहे हैं, गांधी जी के उसके चल जिस तरह उन्हें सिखाया था भी कोई बात नहीं, अपना शांति से पीसफुल करते रहो पर जे आप औकात भी एक गल थप्पड़ मार दे दूसरी गाड़ी कर लियो,
ਜੇ ਅਗਲਾ ਦੂਸਰੀ ਪਰ ਵੀ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਹਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਾਂ ਜਾਗੇ ਮਤਲਬ ਯੂ ਤਾਂ ਯੂ ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਥੱਪੜ ਖਾਈ ਜਾ ਯਾਰ ਤੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਈ ਦੇਖੋ ਕਾਲਜੇ ਮਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆਵਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨ ਪਾਸੇ ਮਰਵਾ ਦਿਓ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਬਥੇਰੇ ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਰਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਤੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਸਾ ਕਰੋ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋਗਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਨਾ ਰਹਾਗਾ ਬਾਂਸ ਨਾ ਬਜੇਗੀ ਬਾਂਸਰੀ ਤੋ ਥਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਲਿਆਣ ਕਾ ਮਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਟਿੱਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਟਿੱਕੇ ਮਾਈ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੁਣ ਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਵਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿੱਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਬਣਾ ਲਏ ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਲਗਾਵਾਦੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਠੀਕ ਆ ਚੀਨ ਤੇ ਫੰਡੀ ਕਰੀ ਵਾਂ ਤੇ ਫੰਡੀ ਕਰੀ ਤੇ ਫੰਡੀ ਮਾਰੇ ਘਰ ਖੜੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਰੇ ਪਾ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਬਤਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸਭ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜੇ ਹਮ ਵੀ 10-10 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਵੀ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਇਹਦੋ ਸਾਲੇ ਆਪਣਾ ਬਜੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿ ਪੱਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਜੀਏ ਵੀ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰਾਮ ਦੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸੋਚੋ ਕੁਛ ਮਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮਾ ਵੀ ਯੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਸਤੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜਖੜ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈ ਲੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੰਦਰ ਉਸੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਲ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਤ ਕਰੋ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਈਟ ਵੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਐਂਕੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਪੋਣੀ ਸਾਈ ਹੋਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਠਣੇ ਸੀ ਨਾ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜੋ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਯਹੀ ਪਾਣੀ ਪਲਾਏ ਵੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ भारतीय किसान किसान मजदूर एकता किसान मजदूर एकता बीजेपी सरकार शर्म करो बीजेपी सरकार शर्म करो बीजेपी सरकार शर्म करो किसान मजदूर एकता मैं बेनती हरपाल सिंह कपूर से करूंगा सॉरी बलजिंदर सिंह कंबोज जी अपने विचार रखेंगे बलजिंदर सिंह कंबोज भाई हरपाल सिंह कंबोज मैं यहाँ पहुंचने की हिम्मत नहीं है उसकी जमीन मरी हुई है एक बंधे हुआ हम उसको मेड़े मारा अपने कास्ट की तरफ से भी जाग जाओ इसके ऊपर हत्या कौन कैसी सरकार हो आप कैसी देखना चाह हो सरकार अपनी तो शायद मुलाकात भी हो जाए उसकी क्या थोड़ी देना वहां हम वो भी कबूल कर लेंगे सबसे पहले बहुत बड़ा मुद्दा है ये इस लाज ना लाए किसान कौम को हरपाल सिंह एक अच्छा कंबोज अच्छा किसान उसको अब तो उसकी जमीन जाग जानी चाहिए हत्यारी सरकार को देखते हुए मैं आपका अभिनंदन भी नहीं कर सका उस बात इन्होंने बीच में छेड़ दी थी मैं इसको खत्म करके पहला अपना मुखातिब हो रहा सारे जिम्मेदार भाइयों या कांग्रेस के नेता जो यहाँ सहयोग करने के लिए आए हैं उनको मैं यहाँ अभिनंदन करता हूँ और सबसे पहले दुख व्यक्त करते हैं उन किसान साथियों के लिए दुख व्यक्त करते हैं उन अपने शहीद किसानों के लिए जिनकी निर्मम हत्या की गई यूपी के एक निर्दयी और मवाली मंत्री जो गृह राज्य मंत्री है उसके बेटे द्वारा उनकी हत्या की गई है इसकी हम भर्त्सना करते हैं और उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हुए आगे मैं अपना बयान जारी रखूंगा देखना है जोर कितना बाजुए कातल में है सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है भाई साहब मौड़ी आए बलजिंदर सिंह जी कह रहे थे महात्मा गांधी ने
हमें जो रास्ता दिखाया है हमें वो भी कबूल है, लेकिन हम भगत सिंह के जो उसूल हैं उनको भी नहीं छोड़ सकते, हमारी मजबूरी है, क्योंकि मकसद हासिल करने के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो बयान दिया है उसके विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता भी यहां पहुंच चुके हैं, और एक तरफ किसान प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ है। उस दौर से नहीं गुजरना चाहते जो ये कमीनी सरकार, की हुई सरकार, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हमारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिसकी हरियाणा के करने की बहुत बड़ी जिस नफरत पैदा हो, इन्होंने सिद्ध कर दिया नीति अपनाना चाहते हैं। जैन साहब पुतला कहाँ तुम्हारे वाला? जैन साहब पुतला है, पुतला का है, पुतला का पुतला है, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, देखिए भाई थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाओ, कर लो सर, कर लो सर, इधर देखो जैन साहब, जैन साहब आज विरोध आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? देखिए जिस प्रकार से गैर जिम्मेदार तरीके से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक गुंडे मवाली की भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं कि लाठ उठा लो, इनको देख लो, केस दर्ज होने दो, कोई बात नहीं, 3-4 महीने जेल रह लो, तो निश्चित रूप से ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, एक गुंडे मवाली की भाषा है। इस प्रकार की भाषा इस डेमोक्रेसी में सहन नहीं की जाएगी, उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। और अब अभी हम डीसी अम्बाला को गवर्नर हरियाणा के नाम पे एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य रूप से मांग है कि मुख्यमंत्री जो है उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जो कि जो भारतीय दंड संहिता के तहत इनके खिलाफ बनती है। दूसरा, जो लखीमपुर खीरी में हमारे किसान भाइयों के निर्दोष किसान भाई जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जिस प्रकार से ये सत्ता के नशे में चूर होकर केंद्रीय मंत्री के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी और फायरिंग की, ऐसे निर्दोष किसानों को मार दिया, तो उसके खिलाफ भी ये प्रदर्शन है। और हमारा हमारी ये जो राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि जो ये जो वहाँ की घटना हुई है इसकी जो जांच है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हैं उनके बेटे को के खिलाफ और उनके खिलाफ हत्या के धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको भी तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। इससे पहले हमने आज यहाँ ज्ञापन देने से पहले हमने अभी जो मुख्यमंत्री हैं और जो अजय मिश्रा हैं उनका पुतला फूंक कर रोष प्रदर्शन भी किया। तो कांग्रेस भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान के विरोध में है, लेकिन अब तस्वीरें आपको किसानों की दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश की घटना का विरोध यहां पर जताया जा रहा है और किसान एक एक करके जो है अपना विरोध जता रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार पुतला हम आपको दिखा देते हैं जो किसानों ने तैयार किया है जलाने के लिए। यही पुतला है जिसे किसान आज आके हवाले करेंगे और देख सकते हैं आपकी कितनी तादाद में किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में किसान अम्बाला के डीसी ऑफिस पहुँच चुके हैं और शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला किसानों की तरफ से तैयार किया गया है, इसे आके हवाले किया जाएगा। और अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर जो दर्शक इस समय जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लगातार किसान आंदोलन को लेकर तरह तरह की घटनाएँ हो रही हैं, बयानबाजियाँ हो रही हैं और अब जो घटना उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में हुई है उससे किसान बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं।
इस तरह की बातें कही जा रही हैं और बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो देश भर में देखने को मिल रहा है। किसानों की लीडरशिप उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है और देश में अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और अंबाला में भी आप देख सकते हैं ये पीएम मोदी का पुतला तैयार किया गया है, इसे आग के हवाले किसान करेंगे और पूरी तरह से गुस्सा अपना है वो नारेबाजी और भाषणों के जरिए किसान व्यक्त कर रहे हैं। सरकार के गुंडे जब संवैधानिक पदों पर बैठे होंगे तो सुरक्षा की आस किससे की जा सकती है। इसके उपरांत मैं, जैसा कि मंच द्वारा समय की सीमा निर्धारित है, एक बयान जो कल आप सब ने देखा भी, आपने उस पर चर्चा भी की है, खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा का, तो इस प्रकार के घृणित मानसिकता के व्यक्ति को एक पल भी संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उसमें अगर अंश मात्र भी नैतिकता शेष बची हो तो अपने पद से तुरंत त्याग पत्र दे या तो उसको प्रधानमंत्री बर्खास्त करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट फुल वोटो नोटिस लेते हुए उसके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने के लिए अंबाला के डीसी ऑफिस का मुकदमा कानून व्यवस्था कड़ी कर दी पुलिस के साथ उसको अंदर करने का काम करे और शांतिपूर्वक तरीके से अभी किसान अपना रोष जाहिर कर रहे हैं और इस तरफ पुतला जो है वो तैयार है जिसे आग के हवाले किया जाएगा। सैकड़ों की संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीर है अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आप देख रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और देखिए किस तरह से शब्दों के जरिए सरकार को कोसा जा रहा है। और सामाजिक संगठन है तो इन नपुतों से अपने आप को अलग करे, इन्हें बर्खास्त करे और इन्हें बेदखल घोषित करे। मैं हम लेकर कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी को बेदखल घोषित करें, खट्टर को बेदखल घोषित करें, अजय मिश्रा जैसे लोगों को दखल घोषित करें और सत्ता इनके हाथ से छीन लें। यदि आपके अंदर कोई दमखम बचा है, यदि आप भी बिक चुके हैं तो फिर कोई दूसरी बात है। दूसरी अपील मेरी सभी नागरिकों से है हरियाणा प्रांत के इस प्रकार की घृणित मानसिकता वाले व्यक्ति जो आपके बच्चों को डंडा उठाने की शिक्षा देते हैं, उन्हें जेल भिजवाने की साजिश रचते हैं, उस पार्टी से, भारत जलाओ पार्टी से स्वयं को अलग कर ले। अगर आप वास्तविक में संघ के कार्यकर्ता हैं, अगर आप वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी थी, जो अडवाणी जी की पार्टी थी, जिसे खड़ा करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, अगर आप उन तीनों के सच्चे अनुयायी हैं तो स्वयं को और अपने बच्चों को आज ही भारतीय जनता पार्टी से बाहर करें। ये देश के लिए, आने वाली नस्लों के लिए आपका बड़ा योगदान रहेगा, वरना आप सारी उम्र मुंह उठाकर जी नहीं पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मंच की मर्यादा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुरमीत सिंह पाणागड़ी है भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी के दंडे, बीजेपी के दंडे। जय जवान, जय किसान। मेरे भाइयों, आपको पता ही है 10 महीने से हमारा दिल्ली जाने का, किसान मजदूर सारे अपने हकों के लिए 10 महीने होके जा रहे हैं और बैठे हैं वहीं पर। अरे इनको कोई पूछो, पढ़े लिखे आदमी है सारे, मेरी कोई टीवल मामा थे। किसानों को जो है वो हौसला देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेसी जो नेता हैं किसानों के बीच पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि हम आपके साथ हैं और देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, कांग्रेस के साथ किसान जो है वो मुलाकात चल रही है। यहां पर कांग्रेसी यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ पहुंचे हैं और किसानों का धरना पीएम मोदी के खिलाफ यहां पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर चाहे कांग्रेस हो चाहे किसानों, सभी में नाराजगी गुस्सा चरम पर है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किसानों को हौसला देते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता नजर आए थे। बैरिकेड लगाए, मारे किसानों ने मारा और पीट करा। इस तरह का मेरे भाई
ये सारे ना छड़े हैं छड़े। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर लाइव तस्वीर हमारे शहर के डीसी ऑफिस से हम आपको दिखा रहे हैं। कितने काम नहीं चलाया, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें क्योंकि किसान एक बार फिर अंबाला में उत्तर प्रदेश की घटना के विरोध में किसानों का क्या रेट है, मोदी का पुतला अंबाला में का क्या रेट है, डाल्टे का क्या रेट है, क्यों मारे बनाए पे बातन पाली रोटी बना रहा है खा रहे अपन मां होटल में फिर ही खा मां तो कहां कर चल के करा कहां खा मांगे ज्यादा क्यों नहीं इनका करा कोई इस करता गलती अपनिया अच्छे पीछे से ना प्याय मकलाए नु बनाए करो जो भी बना मां इन थड़ा नु ना बनाए करो। धन्यवाद बहुत धन्यवाद रमेश सिंह। और मैं युवा साथी बलजीत सिंह बुराना वो भी आए और अपने विचार रखे। बलजीत सिंह है भाई इतना नहीं भाई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिन्हें भी सत्कार योग किसान भीर इतने आए हुए हैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिमें सारे मतलब पहला बुला रहे ने दसिया कि जेड़ा कल यूपी के लखीमपुर के जी भी घटना घटी है साढ़े किसान भीर गड्डी के थले लतड़ के कतल कर दिता गया ये बहुत ही निंदनयोग घटना है और इस तरह लोकतंत्र के घटना बहुत ही मंदभागी है। असी इस घटना का पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार तो मंग भी करते हैं कि इन्हों दोषियों के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए और उन्होंने जेड़े भी मंत्री ने यह कार्रवाई की उन्होंने इस पद से रहने का भी कोई हक नहीं तो उन्होंने तुरंत बर्खास्त किया जाए तो जेड़े उन्होंने बेटे ने यह गलत कार्रवाई की है उन्होंने तुरंत जेलों के अंदर बंद किया जाए और ता कि जो गहां इस तरह की कोई हिम्मत ना कर सके। तो इन शब्दों के नाल धन्यवाद करते हैं जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुखविंदर सिंह निरूप हाजरा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सारे किसान भरावां लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के आरोप जो लगाए जा रहे हैं किसानों की हत्या की गई है। आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला है और उसके बाद हालात जो है काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। संस्कार तब किया जाएगा जब आरोपियों को जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरह की किसान लीडरशिप की तरफ से बयान दिए गए हैं और विरोध अंबाला तक पहुँच चुका है, हरियाणा पंजाब तक पहुँच चुका है। अंबाला से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला अंबाला शहर के नाच मंडी से लेकर डीसी ऑफिस पहुंचे हैं और यहां पर ये पुतला फूंका जाएगा और विरोध लगातार जाहिर किया जा रहा है। अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आप देख सकते हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा भी शेयर कीजिएगा। सैकड़ों की संख्या में किसान अंबाला के डीसी ऑफिस पहुंचे हैं। डीसी ऑफिस में किसान पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला है जिसे आग के हवाले कुछ ही देर में किया जाएगा। लेकिन फिलहाल किसान मंच से नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं। किसान अपना गुस्सा खुलकर व्यक्त कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की घटना हो या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान हो, तो सभी चीजों को लेकर किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। और खबर को जो लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट्स के जरिए जो लोग जुड़ रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि खबर को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से ऐसी बयानबाजी होना उसकी हर तरफ निंदा की जा रही है। सरकार के मुख्यमंत्री प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कि हम कह सकते हैं कि एक संवैधानिक पद है जो जिम्मेदार पद है और उस पद पर रहते हुए अगर ऐसा बयान दिया जाता है जो कल से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, चाहे विपक्ष के लीडर हो चाहे किसान हो, वो खूब इस बयान की निंदा भी कर रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री के बयान की वीडियो वायरल की जा रही है उसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लठ उठा लिए जाएं, हर गांव में 500-700 हजार आदमी तैयार किए जाएं, जैसे कोई तैसे की बात की जा रही है। यहां तक कि मुख्यमंत्री ये भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर जेल में भी रहना पड़े 2-4 महीने तो चिंता मत कीजिए और अगर जब जेल से बाहर आएंगे तो बड़े लीडर कहलाएंगे। ऐसी बातें ऐसा बयान जो है कल से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और वही बयान है जिसने किसानों
के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बड़ी घटना हुई, उत्तर प्रदेश में किसानों की हत्या कर दी गई, वो बड़ी घटना हुई। उसके बाद किसान आज एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। कृषि कानूनों को लेकर 10 महीने से आंदोलन जारी है। उसके बाद अगर बात की जाए तो धान खरीद को लेकर आंदोलन किया गया था, एक ही दिन में सरकार झुक गई थी चंद घंटों में ही, जब बीजेपी नेताओं का घेराव किया गया जीरी की खरीद को लेकर। लेकिन किसान धरने पर पहुंचे ही थे कि उत्तर प्रदेश की घटना ने फिर से माहौल जो है वो तनावपूर्ण कर दिया है, गर्म कर दिया है। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए आप देख सकते हैं, अम्बाला के डीसी ऑफिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला लेकर यहां पर पहुंचे हैं। बीजेपी सरकार, हथियारी पार्टी, बीजेपी सरकार, किसान यूनियन, किसान यूनियन। जो लोग कमेंट्स में जुड़ रहे हैं, जो लोग इस लाइव पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा समझदारी का परिचय जरूर दीजिएगा, शब्दावली का बेहद ज्यादा ध्यान रखिएगा। शब्दावली, जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं कमेंट्स में, उनका ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सभी जो है वो देखते हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, हर व्यक्ति जो है लाइव में जुड़ता है। तो आप अपनी शब्दों का ध्यान रखिएगा, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिएगा। यह हमारी आपसे हर बार अपील होती है। और लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला यहां पर लाया गया है, सैकड़ों किसान मौके पर मौजूद हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। सारे इधर आके बैठ गए भाई, थोड़ा सा इधर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आराम से बैठ जाओ, अभी 1 बजे तक बैठना है। सोनू जी, सुन सोनू जी, अपने विचार रखे, कार्ड मंगवा। मेरी ये भाइयों को बेनती है, जो भी किसान भीर है मेरे एक एक साइड आ जाए, इस साइड ना खड़े हो, रास्ता ना रोके, अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ जाए। प्रधान जी भी बार बार बेनती कर रहे हैं, तो मेरे किसान साथियों को बेनती है, अभी खड़े ना हो। सोनू सोनू जी अपने विचार रखे, सोनू बुलाना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो है मुद्दा किसानी का कर लियो, जो संहार होया, सरकार ने अपने पैरों पर कलाड़ी मारी है। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं आप लाइव तस्वीरें, अम्बाला में सड़कों पर किसान पहुंच उतर चुके हैं। एक बार फिर डीसी ऑफिस में प्रदर्शन किसानों का चलता हुआ नजर आ रहा है। जो ज्ञापन है वो भी सौंपा जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को आग के हवाले किया जाएगा। सुबह से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान की भी निंदा की जा रही है। उत्तर प्रदेश की घटना के खिलाफ पीएम मोदी का पुतला अम्बाला में फूंका जा रहा है, और युवा बुजुर्ग सभी किसान यहां पर पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ नाराजगी शब्दों के जरिए, मंच के जरिए सरकार के खिलाफ किसान बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा इस मामले को लेकर जो भी बड़ी कॉल देगा, संयुक्त किसान मोर्चे का जो भी ऐलान होगा, उस पर अमल करते हुए अगला कदम उठाया जाएगा। लेकिन फिलहाल पीएम मोदी के पुतले फूकने के बाद क्या कुछ किसान कहते हैं वो जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको आंदोलन की लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह से किसान एक एक करके अपने दिल की भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पहुंचने पर सभी साथियों को राम राम, सत श्री अकाल। भारतीय किसान यूनियन भाईचारा, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, कच्चर सरकार, जय भीम, जय जवान, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बेनती करूँ कपिल शर्मा बापा हेरी, कपिल शर्मा बापा हेरी। जय जवान मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। कल की हुई घटना जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और उसी के विरोध का प्रदर्शन करने के लिए
आज अंबाला जिला से, पंजाब से, कोने कोने से आए हुए यहाँ पर किसान साथी डीसी दफ्तर में जो धरना दे रहे हैं, प्रशासन को चाहिए कि इनकी मांग को जो है जल्द से जल्द मान करके और हत्यारों दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करना चाहिए। मैं अपने किसान साथियों से एक वार्ता करना चाहता हूं कि जो तिथि किसान धान लगाने की देती है वो भी जो है सरकार देती है कि आप धान 15 जून को लगा सकते हो, तो सरकार को चाहिए कि खरीद की तिथि भी वो उसी दिन निश्चित कर दे, क्योंकि जो भी जीरी या वैरायटी है वो 3 महीने में। प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की तैयारी यहां पर कर ली गई है, किसान प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की तैयारी कर रहे हैं। जब पहले ये तिथियां निर्धारित नहीं होती थी तब किसान की जीरी तो उसी दिन बिक जाती थी, किसी लोग की फसल पक जाती थी, क्योंकि उसी दिन वो कटाई करते थे। जखड़ा पूरे आज यार बैठ अपनी फसल बेच कर करके अपना पर्चा बनवा करके अपने घर जाता था। किस प्रकार से आप प्रधानमंत्री मोबाइल से भी मार दो, छोटा सा पीछे जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतलों पर चप्पलें बरसाते हुए इस वक्त किसान नजर आ रहे हैं, और अभी आग के हवाले भी किया जाएगा। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को आग के हवाले कर दिया गया है किसानों की तरफ से। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को आग के हवाले किया गया है। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को आग के हवाले किया है। लाइव तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्या की गई है उसके विरोध में ये प्रदर्शन सड़कों से होते हुए किसान डीसी ऑफिस पहुंचे थे, और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को आग के हवाले कर दिया गया है। लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलता हुआ नजर आ रहा है, और भारी तादाद में किसान नारेबाजी करते हुए अपनी गुस्सा अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और देख सकते हैं कि किस तरह से नारेबाजी के जरिए किसान अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने जो है वो चप्पलें भी बरसाई थी इस पुतले पर, और फिलहाल देख सकते हैं आप कि किस तरह से अपना गुस्सा नारेबाजी के जरिए हाय हाय पति मर गया हाय हाय पति मर गया हाय हाय
लाइव तस्वीरें बाल ब्रेकिंग न्यूज पर हम आपको दिखा रहे थे। किसान एक बार फिर सड़कों पर लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की घटना के खिलाफ किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को आग के हवाले किया है। लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहे थे। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और किसानों की अगली रणनीति क्या होगी उत्तर प्रदेश की घटना पर, किसानों का अगला क्या कुछ कदम होगा वो भी अपडेट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर जुड़े रहिएगा, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जन जन तक किसानों का विरोध पहुंच सके। और दिखा रहे थे आपको अंबाला के डीसी ऑफिस से तस्वीरें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, यूट्यूब पर भी अंबाला ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मोबाइल स्क्रीन पर अपडेट्स चाहते हैं तो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें।